हेलो दोस्तों मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास एलेवंथ के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर एट फंडामेंटल्स ऑफ किन्सोलॉजी एंड बायो मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स को तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है ट्वेंटी टू ट्वेंटी तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा डेफिनेशन एंड एंड ऑफ इन स्पोर्ट्स सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमकैनिक्स थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स जिसमें हम देखेंगे फ्लेक्सन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन रोटेशन सरकमडक्शन सुपिनेशन एंड प्रोनेशन को और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सिस एंड प्लेन्स दोस्तोंशन एंड इम्पोर्टेंस किन्सियोलॉजी एंड बायोमिक्स इन स्पोर्ट्स को तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किन्सियोलॉजी का मीनिंग और डेफिनेशन तो दोस्तों जो किन्सियोलॉजी वर्ड है वो डिराइव होता है दो ग्रीक वर्ड से पहला वर्ड है केनेसिस और दूसरा वर्ड है लोगोस केनिस मतलब होता है मोसन और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि केंसीोलॉजी का मतलब होता है मोशन की स्टडी इसके अलावा केन्सियोलॉजी का के एक और डेफिनेशन है कंसियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी नो अबाउट दी ह्यूमन बॉडी मूवमेंट मतलब केंसीोलॉजी एक हमारी साइंटिफिक स्टडी है एक हमारी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं अब हम देख लेते हैं मीनिंग और डेफिनेशन बायोमैकेनिक्स का तो दोस्तों जो बायो मैकेनिक्स वर्ड है वो भी दोस्तों दो अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है पहला वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है मैकेनिक्स बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और मैकेनिक्स का मतलब होता है फील्ड ऑफ फिजिक्स तो हम कह सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द फोर्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स ऑफ एनी पर्सन तो बायोमैकेनिक्स एक वो ब्रांच है जो डील करती है कि अगर कोई भी पर्सन अपना मूवमेंट कर रहा है बॉडी का या किसी भी पार्ट का मूवमेंट कर रहा है तो उस मूवमेंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है तो इस चीज की स्टडी ही हमारी बायोमैकेनिक्स होती है अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन मूवमेंट जो भी ह्यूमन है जो भी पर्सन है उसकी मूवमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज मिलती है सेकेंड पॉइंट है नोइंग अबाउट द फोर्सेज ऑन द बॉडी मीन्स जो भी फोर्सेस ह्यूमन बॉडी पे लग रही है उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट इंजरीज जब हमें अपने बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पता होगा तब हम प्रिवेंट रह सकते हैं इंजरी से और हमें पता होगा कि ये कौन सी फोर्सेस लग रही है कितनी फोर्सेस लग रही है तो इस तरीके से हम अपने आप को इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट है करेक्ट मूवमेंट हमें करेक्ट मूवमेंट पता लगता है कि हमें कैसे मूवमेंट करना चाहिए हमें हमारी बॉडी का और लास्ट पॉइंट है एफिशियंसी ऑफ मूवमेंट इज ग्रेट कोई भी पर्सन अगर उसे अपनी बायोमैकेनिक्स पता है या केंसीलोजी पता है मीन्स अपनी बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रही है उसके बारे में पता है और उसके जो बॉडी के मूवमेंट्स होंगे उनके बारे में पता है कि कैसे वो होते हैं और कैसे उन्हें करना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है या कोई भी वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं लाइक मैं अगर बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो मेरा जो स्मैश मारने का तरीका है कि मैं इस एंगल से स्मैश मारूंगा तो इतना स्मैश लगेगा तो मैं उसी एंगल से मारने के ट्राई करूंगा ना तो मीन्स उसका गेम भी इम्प्रूव हो रहा है तो इसी को हम एफिशिएंसी बोलेंगे टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ तो दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैनिक्स में हम न्यूटन के लॉज को देखेंगे और उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है ये भी समझेंगे तो बेसिकली न्यूटन के तीन लॉज हैं सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सलेशन और थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन तो आइए हम एक एक करके इन तीनों लॉज को देखते हैं तो सबसे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया तो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल टेबल पर पड़ी हुई है तो वो वहीं पर पड़ी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए वहीं पर अगर कोई बॉल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स से रोका ना जाए अब हम देख लेते हैं कि इस लॉ का मतलब ये जो लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया इसका स्पोर्ट्स इस में क्या एप्लीकेशन है तो जब हम किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं जैसे रनिंग की स्टार्टिंग जैवलिन थ्रो की स्टार्टिंग तो वहां पर लॉ ऑफ एनर्सिया अप्लाई होता है सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ये स्टेट करता है कि चेंज इन मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के दोस्तों चेंज इन मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस डेफिनेशन में हमारे पास दो पॉइंट है मास है, के, के तो हम एक एक करके इसको देखते हैं पहला कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के फॉर एग्जांपल हम किसी भी वुडन बॉक्स पर एक न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ एक्सलरेशन आएगा और वहीं पर अगर हम उस वुडन बॉक्स में फाइव न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसमें ज्यादा एक्सल्रेशन होगा तो इससे ये प्रूफ होता है कि जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर उतना ही उसका एक्सल्रेशन होता है अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम एक्सलेशन होगा और अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको ज्यादा एक्सल्रेशन मिलेगा वहीं इसका सेकंड केस है कि एक्सेलरेशन इनिवर्सल प्रोपोर्शनल है मास के फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वन के का वुडन ब्लॉक है और एक टेन के का वुडन ब्लॉक है और दोनों में हम सेम फोर्स लगा रहे हैं तो जो वन के का ब्लॉक होगा उसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा वहीं पर जो टेन के वाला ब्लॉक है उसको कम एक्सेलरेशन मिलेगा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के मास में डिफरेंस है अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है तो दोस्तों इस लॉ का एप्लीकेशन जेवलिन थ्रो में है जेवलिन को ज्यादा फोर्स से फेंका जाए तो उसको ज्यादा डिस्टेंस और एक्सेलरेशन मिलता है वहीं पर अगर उसको कम फोर्स से फेंका जाए तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है और अगर जेवलिन का वेट ज्यादा होगा तो भी वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप दीवार पर एक पंच मारते हैं तो दीवार से भी आपको उसी फोर्स का एक रिएक्शन मिलेगा अब हम देख लेते हैं कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इसका स्पोर्ट्स इस में क्या एप्लीकेशन है तो दोस्तों इस लॉ का एप्लीकेशन स्विमिंग में है जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं वहीं पर वाटर आपको फॉरवर्ड पुश देता है जिसके कारण आप स्विमिंग कर पाते हैं और इसका एक और एग्जाम्पल है रनिंग जब आप दौड़ते हैं तब आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश देते हैं मतलब आप पीछे की तरफ पुश करते हैं वहीं पर ग्राउंड आपको फॉरवर्ड पुश देता है जिससे आप आगे की तरफ दौड़ पाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स जिसमें हम देखेंगे फ्लेक्सन को एक्सटेंशन को एबडक्शन को एडक्शन को रोटेशन को सरकमडक्शन को सुपिनेशन को एंड प्रोनेशन को तो सबसे पहला है फ्लेक्सन जब भी दो जॉइंट्स के बीच का एंगल जो है वो रिड्यूस होता है डेट इज कॉल्ड फ्लेक्सन सेकेंड है एक्सटेंशन जब भी दो जॉइंट्स के बीच का एंगल इंक्रीज होता है डेट इज कॉल्ड एक्सटेंशन फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने एल्बोज को बैंड करते हैं तो उसको हम फ्लेक्सन बोलेंगे अगर आप उसे वापस अपने पोजिशन पर लेकर आ जाते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे जैसे कि आपको साइड में इमेज में भी दिख रहा होगा थर्ड है हमारा एबडक्शन एबडक्शन में हम अपनी बॉडी के लिम्ब को अपने मिड लाइन से दूर लेकर जाते हैं मिड लाइन दोस्तों एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारे बॉडी के बिल्कुल बीच से पास होती है फोर्थ है हमारा एडक्शन एडक्शन में हम अपने बॉडी के लिम्ब को अपने मिड लाइन के पास लेकर आते हैं फॉर एग्जांपल जब भी हम अपने हाथ को अपने मिड लाइन से बाहर लेकर जा रहे हैं या फिर अपने पैर को मिड लाइन से बाहर लेकर जा रहे हैं सो दिस विल बी नोन एज एबडक्शन और जब हम वापस लेकर आते हैं टूवर्ड्स द मिड लाइन डेट इज कॉल्ड एडक्शन नेक्स्ट है हमारा सरकमडक्शन सरकमडक्शन जो है वो एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे फ्लेक्स एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन चारों ही तरह के मूवमेंट्स जो हैं वो एक साथ होते हैं एग्जाम्पल में दोस्तों जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसमें सरकमडक्शन होता है अब दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उसको आप ध्यान से देखिए इस वीडियो से दोस्तों आप सरकमडक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों सरकम में जब हमारा आर्म मूव करता है तब दोस्तों वो एक कोन बनाता है जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे नेक्स्ट है हमारा रोटेशन रोटेशन तब पॉसिबल होता है जब एक बोन जो है वो एज अ अक्सेस काम करती है और दूसरी बोन जो है वो उस पर रोटेट करते हैं तब वहां पर होता है रोटेशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने नेक को राइट right या फिर लेफ्ट लेकर जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन नेक्स्ट है हमारा सुपिनेशन जब हमारा जो पाम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है डेट इज कॉल्ड सुपिनेशन और लास्ट है दोस्तों हमारा हमारा प्रोनेशन जब जो पाम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है डेट इज कॉल्ड प्रोनेशन लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सिस एंड प्लेन्स कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट्स जब भी बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है तो वहां पे कम से कम एक एक्सिस और एक प्लेन इन्वॉल्व होता है तो अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सिस क्या होता है प्लेन क्या होता है तो मैं अब आपको बता देता हूँ तो एक्सिस जो है वो इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड मूवमेंट होता है मतलब दोस्तों जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है एक्चुअल में कोई एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी बॉडी में और दोस्तों जो प्लेन है वो एक इमेजिनरी सरफेस है जो एक्चुअल में मूव करती है तो जो प्लेन और एक्सिस है वो दोनों ही इमेजिनरी है लेकिन हम मूवमेंट की स्टडी करने के लिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट का पता लगाने के लिए हम एक्सिस और प्लेन्स को पढ़ते हैं फिर हम बात करें कि जो एक्सिस है और जो प्लेन्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं तो दोस्तों जो एक्सिस है और जो प्लेन्स है वो दोनों ही दोस्तों तीन तीन टाइप्स के होते हैं और दोस्तों ये तीनों एक्सिस तीनों प्लेन्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन्स को सबसे पहला है ट्रांसवर्स प्लेन तो ट्रांसवर्स प्लेन हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है सेकेंड है सर्जिटियल प्लेन तो सर्जिटियल प्लेन हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है और लास्ट है फ्रंटल प्लेन तो फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को फ्रंट एंड बैक हाफ में डिवाइड करता है जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सिस को तो दोस्तों जो है वो भी तीन तरीके की होती है सबसे पहला है वर्टिकल एक्सिस तो दोस्तों जो वर्टिकल है वो एक ऐसी लाइन है जो हमारी बॉडी के बीच से जाती है ऊपर से नीचे तक और वर्टिकल एक्सिस ट्रांसवर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होती है सेकेंड है दोस्तों हमारा फ्रंटल एक्सिस फ्रंटल एक्सिस का मतलब ऐसी एक्सिस जो कि राइट साइड से जाएगी और लेफ्ट साइड से निकल जाएगी और फ्रंटल एक्सिस सेजिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है और थर्ड है हमारा सेजिटल एक्सिस सेजिटल एक्सिस जो होती है वो हमारी बॉडी के फ्रंट साइड से जाती है एंड बैक साइड से निकल जाती है मतलब दोस्तों जो सेजिटल एक्सिस होती है वो हमारी बॉडी के आगे से आती है पीछे से निकल जाती है और सेजिटल एक्सिस फ्रंटल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है अब हम समझ लेते हैं एप्लीकेशन इन मूवमेंट्स मतलब दोस्तों जो हमने ये प्लेन्स पढ़े ये हमने एक्सिस पढ़े पढ़े उनके टाइप्स इनका जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अलग अलग मूवमेंट्स पढ़े थे उनमें इनका क्या रोल है तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ ट्रांसवर्स प्लेन और वर्टिकल एक्सिस इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट में रोटेशन जो मूवमेंट है वो होता है सर्जिटियल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस के इन्वॉल्वमेंट में फ्लेक्सन एंड एक्सटेंशन जो मूवमेंट है ये होता है और लास्ट है फ्रंटल प्लेन और सर्जिटियल एक्सिस इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट में एबडक्शन एंड एडक्शन होते हैं ये हो पाता है तो यहाँ पर दोस्तों ये ये जो हमारा यूनिट यूनिट है नंबर फंडामेंटल्स ऑफ एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट स्टे टूड विदर्स